सब उपदेशक 2:26 में क्या लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, अच्छा मींस जो धार्मिकता लेके चलता है, जो ईश्वर का भय मानता है, जो उस पर सवाल नहीं करता परंतु विश्वास से इंतजार करता है, सब बातें मिलकर मेरी भलाई को लाएंगे, वो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। अय्यूब को याद रखो, बच्चे मारे गए, धन संपत्ति लूट ली गई, दास दासी घात हो गए, खुद भी शरीर से पीड़ित हो गया, पर उसके बावजूद भी he praise God, शिकायत नहीं की, इसलिए उसने ईश्वर को देखा बवंडर में और दुगने रूप से आशीषित हुआ। What about you? आप क्या करते हैं? क्या आप अपने ईश्वर के पद चिन्ह को फॉलो कर रहे हैं? वो भी परिश्रम कर रहा था, आंसू बहा था, दुख उतार था, बट ही वॉज फिल्ड विद लव एंड कंपैशन, उसने माफ किया, और आप जरा सा हिलने के बावजूद कंप्लेन करते हैं, दोष लगाते हैं और अपनी प्रोटेक्शन इधर उधर भागते रहते हैं। बट वॉट ही डिड, Lord, you forgive them. They do not know what they are doing. इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते। We need to learn from Jesus. हमें सीखना चाहिए प्रभु से, किस स्तर पर मुझे दयालु होना है, किस स्तर तक मुझे लोगों को माफ करना है। He was on the cross and he was filled with compassion. He was carrying the righteousness. धार्मिकता लेके चल रहा था वो उस स्तर पर भी। What about you? जरा सा दुख, जरा सा कलेश और मुंह में गालियां, दोष लगाना, जो परिश्रम आप कर रहे हो उसमें कुड़कुड़ाना, आप बहुत मार खाओगे, बाइबल कहती है। रिमेंबर, जजमेंट आ रहा है, कोई नहीं बख्शा जाएगा, कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा, कुछ छिपा नहीं जो जाना नहीं जाएगा।